नमस्कार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन 28 फरवरी को ब्रिगेड मैदान में जबरदस्त रैली हुई। ये रैली थी कांग्रेस, टीएमसी और आईएसएफ गठबंधन की। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी इस रैली में शामिल नहीं हुए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के लिए गठबंधन की दुविधा आखिर क्यों है और राहुल गांधी इस रैली में शामिल क्यों नहीं हुए। तो आपको लिए चलते हैं कोलकाता के ब्रिगेड मैदान, जहां पर 28 फरवरी की रैली में कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी बात कर रहे थे। जी हां, वे अपना भाषण कर रहे थे। इसी बीच में एंट्री होती है अब्बास सिद्दीकी की। अब्बास सिद्दीकी इंडियन सेकुलर फ्रंट के नेता है और फुरफुरा शरीफ दरगाह जो है, जो कि जिसका पश्चिम बंगाल में जबरदस्त प्रभाव है, वहां के वे मौलाना हैं। अब्बास सिद्दीकी की एंट्री होती है। लेफ्ट के नेता अधीर रंजन चौधरी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका स्वागत किया जाए और अधीर रंजन चौधरी अपना भाषण बीच में रोक दे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी इसके लिए तैयार नहीं होते हैं और वे गुस्सा हो जाते हैं, जिसके बाद एक बड़ी असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन किसी तरीके से अधीर रंजन चौधरी अपना भाषण बीच में रोकते हैं, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है अब्बास सिद्दीकी को। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी को कहा जाता है कि आप अपना भाषण कंटिन्यू करिए, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं होते। उसके बाद लेफ्ट के बड़े नेता बिमान बोस उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और अधीर रंजन चौधरी अपना भाषण पूरा करते हैं। तो ये तो आगाज, इतनी बड़ी रैली, इतनी शानदार रैली आयोजित की, लेकिन इस गठबंधन के लिए कितने आगे के हाल किस तरह होने वाले हैं, ये इसके आगाज से ही समझ में आ रहा है।